अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बता रहे हैं फ्रेश फिश पाइनएप्पल रेसिपी। एंड ग्रेप जूस। देखिए, आज हम फ्रेश फिश पाइनएप्पल बनाएंगे। उसके लिए मैंने प्याज की पत्ती और नींबू, हरी मिर्च और ऑरेंज भी रखा है टेस्ट के लिए, और टमाटो केचप, थोड़े से नूडल्स उबले हुए, ग्रेप्स और ऑयल, और अपना पाइनएप्पल और सॉल्ट, नमक, और थोड़ी सी मायोनीज भी लेंगे हम। ये मेरे भाई ने मुझे यूएसए भिजाया है, मेरे बहन के लड़के के हाथ से। तो हम अब पैन गरम कर लेंगे। इसके अंदर हम तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, नूना एकदम। तेल गरम होने के बाद फिश छोड़ेंगे अपन। देखिए, मैंने प्याज की पत्ती की जो ऑनियन होती ना प्याज, वो है ये। देखिए, मैं इसके अंदर जो ऑयल गरम हो चुका है, मैं इसमें फिश को छोड़ रही हूँ। देखिए, ये है मायो मायो, थोड़ा सा मायोनीस इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। देखो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। क्रिस्पी बनती मायोनीस यूज करने से थोड़ा सा। तो एक 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा। देखिए, मैंने प्याज की पत्ती वगैरह सब काट लिया हूँ। देखिए, मैंने धीमी आंच पर इसे 2 मिनट तक रखा है। अब मैं इसे धीरे धीरे हल्काऊंगी। देखिए, पाइनएप्पल भी मैंने कट कर लिया है। देखिए, वो जो होल्स रहते हैं ना, उसे पूरे निकाल देनी चाहिए। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैं इसको निकाल करके प्लेट में थोड़ा सा पलटा लूंगी। पलटा करके तो प्लेट में रख लूंगी। अब इसके अंदर मैं फ्राई करूंगी। देखिए, इसके अंदर जिंजर डालेंगे, यानी कि लहसुन। लहसुन डालने के बाद में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर ग्रीन चिल्ली, यानी कि पच्चे मिर्च का आलू, हरी मिर्च, और थोड़ी सी जो प्याज की पत्ती की प्याज रहती, प्याज की पत्ती की पत्ती, और ये ग्रीन मिर्च, और ये शिमला मिर्च डाल करके थोड़ा फ्राई करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, सॉल्ट, उफो एकदम। इसको थोड़ा सा हम धीरे धीरे कम आंच पर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद में थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे। हल्के हल्के आंच फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम ये नूडल्स डालेंगे, जो मैंने पानी में भिगा करके उबाला है पहले नूडल्स को। नूडल्स डालने के बाद में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, एकदम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐसी ना। अब फिर हम इसमें जो नींबू है ना, नींबू का जूस डालेंगे, एक नींबू का जूस है ये। और इसके अंदर हम पाइनएप्पल के साफ कर लिया है मैंने पीसेस, उसको डालेंगे। डाल करके थोड़े से हल्के आंच पर, बड़ी आंच पर थोड़ा सा हम फास्ट फास्ट, यानी कि फास्ट में इसको फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी है और खूब टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। देखिए, आजकल के बच्चों की पसंद नहीं है,
आजकल के बच्चे सब यही खा रहे हैं, घर का खाना ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, यही खा रहे हैं वो लोग, इसलिए मैंने बनाया है उन लोगों के लिए। देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा टमाटर के चौक और हम ऐड करेंगे। मैंने काली मिर्ची जितना हमें टेस्ट चाहिए उतना ही डाल के रखा है। अब देखिए ये है फिश, इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे उसको, इसको लेकर के इसके ऊपर डालेंगे। देखिए खाने में बहुत टेस्टी है ये। और मैं इसे थोड़े से ग्रेप्स डाल रही हूँ, देखिए थोड़े से ग्रेप्स, थोड़े से ये अपना क्या है अनार डाल करके। देखिए कितनी फिश ज़बरदस्त आइटम है ये, बच्चों की पसंद है ये। अब हम इसे टेस्ट कराएंगे बच्चों से अपने। देखिए मैं बच्चों को दे रही हूँ, टमाटो केचप के साथ खाएंगे, फिश के साथ खाओ बच्चों। यम्मी एंड डिलीशियस। देखिए फिश के साथ खाना है ये, देखिए फिश कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है ये। मस्त है, बहुत टेस्टी है। अरे देखिए आजकल के बच्चों की पसंद है ये, इसलिए मैंने बनाया है फिश के साथ में फुल विटामिन से भरी हुई डिश। देखिए फिश निकाल रही हूँ मैं, फिश के साथ में पाइन एप्पल और ग्रेप्स। बोलो जल्दी। डिलीशियस। देखिए आजकल के बच्चों की पसंद